हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लेक्चर एट ऑफ करंट एग्रीकल्चर डाटा एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस जो रिपोर्ट है ये इसका फाइनल लेक्चर है ठीक है इससे पहले के जो सात लेक्चर्स हैं उसका लिंक आपको यहाँ पर अभी शो हो जाएगा ओके सो डू क्लिक ऑन दिस कार्ड एंड वॉच द प्रीवियस सेवन वीडियोज एज वेल और ये आठ वीडियोज़ आपके लिए खजाना है सोना है नबार्ड ग्रेडे का पेपर देने जा रहे हो या आई बी का पेपर दोगे या एग्रीकल्चर का कोई भी एग्ज़ाम दोगे हर एग्ज़ाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन आने हैं तो ये आठ के आठ लेक्चर्स आप देखो और अल्टीमेटली इट इज़ गोइंग तो टू हेल्प यू अलॉट ओके एम सी क्यू कोर्स हमारा चल रहा है उसके बारे में आप जानते ही हो ठीक है अर्ली थर्टी अभी आपका एक डिस्काउंट भी वर्क कर रहा है तो इसको भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो इसका एक फ्री टेस्ट भी बनाया है हमने ना ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि यार क्या कुछ आ रहा है पेपर के अंदर या किस टाइप के क्वेश्चंस जो है हम टेस्ट में कवर कर रहे हैं तो वो फ्री टेस्ट भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो आ, वो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों चलिए फटाफट से कंटेंट के ऊपर आ जाते हैं तो हमने ना कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप के टॉपर्स देखने हैं टॉपर्स इन द सेंस जैसे अभी हमने पिछली वीडियोज में देखा ना अभी कौन सी स्टेट में प्रोडक्शन ज़्यादा है ठीक है कौन सी स्टेट में यील्ड ज़्यादा है कौन सी स्टेट में एरिया ज़्यादा है तो वैसा ही कुछ अब हम देखेंगे वर्ल्ड सिनेरियो के अंदर कि कौन सी कंट्री में सबसे ज्यादा एरिया है कौन सी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन में है या कौन सी सबसे ज्यादा येल्ड में है तो एरिया की बात करें तो पेडी या राइस के अंदर सबसे ज्यादा एरिया पूरी दुनिया में दोस्तों हिंदुस्तान के पास है ठीक है सबसे ज्यादा एरिया अंडर कल्टीवेशन फॉर पेडीज विद इंडिया डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से वो पूछता है ठीक है विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैज़ लार्जेस्ट एरिया अंडर पेडी कल्टिवेशन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा करके देखोगे ना तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन उसके अंदर मिल भी जाएंगे ठीक है और आंसर वहां पर आपका क्या हो जाएगा इंडिया हो जाएगा तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में इस तरह टाइप से आते हैं और ये मैंने आपके जो एमसीक्यू कोर्स है उसके अंदर भी कवर अप किए हैं क्वेश्चन हर तरह के क्वेश्चन को बना करके वहां पर डाला हुआ प्रोडक्शन की बात करें तो मैंने आपको जब स्टेट्स की जब हम बात कर रहे हैं तभी मैंने आपको बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी के पास एरिया ज़्यादा है तो उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो क्योंकि एरिया होना अलग बात है और प्रोडक्शन होना अलग बात है क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर एरिया के अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स एक्ट करते हैं यील्ड एक फैक्टर होता है कि आप पर हेक्टेयर आपकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है आपकी टेक्नोलॉजी कैसी है ठीक है आपका जो लैंड साइज है लैंड फ्रेगमेंटेशन तो नहीं है जैसे इंडिया के अंदर लैंड फ्रेगमेंटेशन frag, का प्रॉब्लम है तो जो लैंड फ्रेगमेंटेशन का प्रॉब्लम है उसकी वजह से आप उसके अंदर नई नई टेक्नोलॉजीज को यूज़ नहीं कर पाते हो तो एरिया ओवरऑल तो ज़्यादा होता है लेकिन प्रोडक्शन कम रह जाती है तो प्रोडक्शन में पहले नंबर पर चाइना है दूसरे नंबर पर इंडिया है इंडिया का परसेंटेज भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो पूछ सकता है कि इंडिया, कि इंडिया कितना परसेंट वर्ल्ड का पेडी प्रोड्यूस करता है तो इंडिया अराउंड ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन वन परसेंट दुनिया का पेडी प्रोड्यूस करता है यानी कि पूरी दुनिया में अगर सौ किलो पेडी प्रोड्यूस हो रहा है तो ट्वेंटी थ्री पॉइंट सेवन वन परसेंट पेडी कौन प्रोड्यूस कर रहा है वो इंडिया कर रहा है यील्ड की बात करें तो यील्ड जो इंडिया का है वो वर्ल्ड एवरेज से कम है वर्ल्ड एवरेज जो है वो फोर सिक्स थ्री वन के जी पर हेक्टेयर का है ठीक है पर इंडिया के अंदर जो यील्ड है पेडी का दैट इज अराउंड फोर जीरो फाइव एट के जी पर हेक्टेयर थोड़ा सा रफ अगर आइडिया इसका ध्यान में रख सकते हो तो रख लेना के अंदर आंसर राइटिंग में भी काम आ सकता है नबार्ड वाले बच्चों अब देखो येल्ड जो है अब यहां से भी आप तुक्का नहीं लगा सकते कि प्रोडक्शन में चाइना फर्स्ट है तो yield में भी सबसे ज्यादा आगे चाइना ही होगा ऐसा नहीं है ये सबसे ज्यादा बेटा जापान का है येल्ड जो है दैट इज पर के जी पर हेक्टेयर जो है एवरेज वो जापान के अंदर सबसे ज्यादा है तो ये आपने ध्यान में रखना है ये नबार्ड के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था येल्ड के ऊपर ओके उसके बाद वीट के ऊपर आ जाओ जी वीट में टॉपर्स देख लेते हैं तो वीट में भी एरिया में तो सबसे पहले अपना हिंदुस्तानी है उसके बाद रशिया और फिर चाइना आ जाता है वीट के अंदर प्रोडक्शन में अगेन हम दूसरे नंबर पर हैं फर्स्ट नंबर पर अगेन चाइना है दूसरे नंबर पर इंडिया है विथ थर्टीन पॉइंट सेवन वन परसेंट प्रोडक्शन वर्ल्ड का थर्टीन पॉइंट सेवन वन परसेंट वीट हम प्रोड्यूस करते हैं यमारा थ्री फाइव थ्री थ्री के पर हेक्टेयर है अगेन ये लोअर है वर्ल्ड एवरेज से थ्री फाइव फोर थ्री के पर हेक्टेयर की और हाईएस्ट यील्ड जो है वो बेटा वीट के केस में फ्रांस का है ना चाइना का ना रशिया का ना इंडिया का फ्रांस जो है हाईएस्ट यील्ड है वीट के केस में मेज के ऊपर आ जाओ जी मेज में एरिया में सबसे पहले चाइना है फर्स्ट नंबर पर चाइना सबसे ज्यादा एरिया मेज कल्टिवेशन का चाइना के पास है इंडिया तो इसके केस में फोर्थ नंबर पर आता है देखो अब जैसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है वट इज इंडियाज रैंक इन मेज प्रोडक्शन इन मेज एरिया अंडर कल्टिवेशन इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है वो ऑप्शन दे देगा भाई चाइना है यूएस है इंडिया है रशिया है इस तरीके से ओके प्रोडक्शन में बात करें तो प्रोडक्शन बेटा सबसे ज्यादा यूएस की है देखो एरिया सबसे ज्यादा चाइना के पास है लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा यूएस की है इंडिया प्रोडक्शन में सिक्सथ नंबर पर आता है हम अराउंड टू पॉइंट फोर थ्री परसेंट जो है मेज प्रोड्यूस करते हैं दुनिया का येल्ड की बात करें तो इंडिया का जो येल्ड है 3070 जीरो के जी पर हेक्टेयर का है अगेन वर्ल्ड एवरेज से कम है वर्ल्ड एवरेज जो है इसका 5813 एट के जी पर हेक्टेयर का है और हाईएस्ट यील्ड जो है बेटा वो यूएसए का है तो एरिया में पहले नंबर पर चाइना है इंडिया चौथे नंबर पर प्रोडक्शन में पहले नंबर पर यूएस है इंडिया छठे नंबर पर है यील्ड में पहले नंबर पर यूएसए है पल्स टॉपर्स के ऊपर आ जाओ अब एरिया आ, सबसे ज्यादा इंडिया के पास है फॉलोड बाय नाइजर एंड नाइजीरिया अफ्रीकन कंट्रीज हैं तो सबसे ज्यादा एरिया अपने पास है उसके बाद प्रोडक्शन में भी इंडिया नंबर वन पे आता है तो पल्स के केस में एरिया में भी इंडिया नंबर वन पर है और प्रोडक्शन में भी नंबर वन पर है हम दुनिया का 25.44 पल्सेस का प्रोडक्शन करते हैं ठीक है 25.44 वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है वो इंडिया से रहता है पल्सेस का यील्ड की बात करें तो 697 केजी पर हेक्टेयर है अपना ये अगेन वर्ल्ड एवरेज से कम है वर्ल्ड में जो एवरेज है पर हेक्टेयर यील्ड का वो 947 केजी का है और सबसे ज़्यादा यील्ड जो है पल्सेज के केस में दोस्तों वो कैनेडा का है सबसे ज़्यादा यील्ड कैनेडा का ये सारे प्रोविजन आपको बेटा याद रखने हैं शुगर केन के ऊपर आ जाओ शुगर केन में सबसे ज्यादा एरिया ब्राजील के पास है इंडिया का जो है सेकेंड रैंक है एरिया के अंदर फॉलोड बाय थाईलैंड थर्ड नंबर पे प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन भी ब्राजील की सबसे ज्यादा है और इंडिया अगेन सेकेंड नंबर पर है हम दुनिया का ट्वेंटी पॉइंट सेवन थ्री परसेंट शुगर केन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं यील्ड की बात करें तो अभी तक हमने जितने क्रॉप्स देखे उन सब में इंडिया का जो यील्ड था वो वर्ल्ड एवरेज से कम था लेकिन शुगर केन के केस में इंडिया का जो येउंड एट्टी थाउजेंड वन हंड्रेड एंड फाइव के जी पर हेक्टेयर ये वर्ल्ड एवरेज से ज्यादा है वर्ल्ड एवरेज सेवेंटी एट के जी पर हेक्टेयर है और शुगर केन का दोस्तों हाईएस्ट येल्ड जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाए ग्राउंड नट शेल तो एरिया में अगेन इंडिया सबसे ज्यादा है फॉलोड बाय चाइना एंड नाइजीरिया बट प्रोडक्शन में चाइना अगेन इंडिया से आगे आ जाता है और सेकंड नंबर पर है इंडिया पर है प्रोडक्शन में विधीन पॉइंट फाइव एट परसेंट प्रोडक्शन का वन फोर टू टू के पर हेक्टेयर है अगेन वर्ल्ड एवरेज से कम है वन सिक्स टू टू के पर हेक्टेयर से और ग्राउंडनट का जो हाइएस्ट येल्ड है दोस्तों वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है चलिए अब इसके अलावा और एरियाज में इंडिया का रैंक देखते हैं इन क्रॉप्स के अलावा सबसे पहले टोटल एरिया की बात करें तो इंडिया जो है दुनिया का सेवेंथ सबसे बड़ा देश है हमारे पास दुनिया का टू पॉइंट फोर फोर परसेंट एरिया है तो पहले नंबर पर रशिया है विच इज द लार्जेस्ट कंट्री सेकेंड नंबर पर कैनेडा थर्ड पर यूएस फोर्थ पर चाइना फिफ्थ पर ब्राजील सिक्स पर ऑस्ट्रेलिया एंड सेवेंथ पर हमारा प्यारा भारत लैंड एरिया एक होता है टोटल एरिया टोटल एरिया में सब कुछ आ जाता है आइलैंड पानी पुणी जो भी सब आ जाता है सब आ जाता है लैंड एरिया ठीक है जमीनी एरिया तो जमीनी एरिया में भी हमारा सेवेंथ रैंक है टू पॉइंट टू एट परसेंट लैंड एरिया है हमारे पास पूरी दुनिया का पहले नंबर पर है रशिया दूसरे नंबर पर आ जाता है चाइना लैंड एरिया में चाइना दूसरे नंबर पर है ठीक है टोटल एरिया में चौथे नंबर पर है पर लैंड एरिया में दूसरे नंबर पर है तीसरे पर यूएस चौथे पर कैनेडा पांचवे पर ब्राजील छठे पर ऑस्ट्रेलिया और सातवें पर अपना प्यारा भारत एरेबल लैंड एरेबल लैंड का क्या मतलब होता है कि जहां पर आप एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कर सकते हो जहां पर आप कल्टीवेशन कर सकते हो जो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल है तो टोटल एरिया और लैंड एरिया में तो हम नंबर पर हैं लेकिन एरेबल लैंड में हमारा जो रैंक है वो दूसरा है पहले रैंक पर यूएसए है उसके बाद हमारा दूसरा रैंक है हमारे पास दुनिया का इलेवन पॉइंट टू एट परसेंट जो लैंड है वो एरेबल लैंड हमारे पास दुनिया का अवेलेबल है देखो लैंड एरिया अगर बंजर जमीन भी लैंड एरिया के अंदर आ गई ना जहां पर आप एग्रीकल्चर कर ही नहीं सकते बंजर है बिल्कुल कल्टीवेशन हो ही नहीं सकती जहां पर वो भी लैंड एरिया में आ गई एरेबल लैंड क्या है जहां पर आप कल्टीवेशन कर सकते हो ठीक है पॉपुलेशन अगर हम बात करें 2011 के सेंसस के हिसाब से ये अभी तो 17.73 दुनिया की आबादी हमारे देश में रहती है और सेकेंड रैंक है हमारा आफ्टर चाइना बट अगर हम रूरल पॉपुलेशन की बात करें तो रूरल पॉपुलेशन में इंडिया का रैंक पहला है दुनिया की 26.17 परसेंट रूरल पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रहती है एक क्वार्टर से भी ज्यादा नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं टोटल सीरियल्स की तो टोटल सीरियल प्रोडक्शन इसमें सब आ गया राइस वीट मेज वगैरह सब आ गया तो टोटल सीरियल्स में इंडिया का थर्ड रैंक है चाइना और यूएसए के बाद हम दुनिया का 10.94 परसेंट सीरियल प्रोड्यूस करते हैं रेपसीड की बात करें तो रेपसीड में भी अपना थर्ड रैंक है पहला कैनेडा का और दूसरा चाइना का है हम दुनिया का ट्वेल्व रेपसीड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं टी की बात करें तो अपना दूसरा रैंक है चाइना के बाद चाइना का पहला है हम 20.56 परसेंट टी प्रोडक्शन करते हैं वर्ल्ड की कॉफी ग्रीन की बात करें तो अपना आठवां रैंक है पहले पर है ब्राजील दूसरे पर वियतनाम तीसरे पर कोलंबिया चौथे पर इंडोनेशिया पांचवें पर इथियोपिया छठे पर हॉन्डोरस एंड सातवें पर पेरू है और हमारी जो प्रोडक्शन है कॉफी ग्रीन की वर्ल्ड की वो थ्री है जूट में हम पहले नंबर पर हैं हम 50 परसेंट से ज्यादा दुनिया का जूट प्रोड्यूस करते हैं अराउंड 50.52 परसेंट अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको में हम थर्ड नंबर पर हैं चाइना और ब्राजील के बाद हम 11.74 पॉइंट सेवन फोर परसेंट अन टोबैको जो है दुनिया का प्रोड्यूस करते हैं वेजिटेबल्स पर की बात करें तो सेकंड है चाइना के बाद 12.16 परसेंट प्रोडक्शन है हमारी फ्रूट्स में भी हम सेकंड है चाइना के बाद इलेवन प्रोडक्शन है हमारी पोटैटोज में भी हम सेकेंड है चाइना के बाद फोर्टीन प्रोडक्शन है हमारी अनियन ड्राई अनियन में भी हम सेकेंड है चाइना के बाद 22.93 परसेंट प्रोडक्शन के साथ। कैटल की बात करें तो कैटल में हमारा जो नंबर ऑफ कैटल या पॉपुलेशन ऑफ कैटल की बात करें तो हम दूसरे नंबर पर आते हैं सबसे ज्यादा कैटल पॉपुलेशन ब्राजील में है हमारे देश के अंदर दुनिया की 22.80 परसेंट कैटल है यानी कि पूरी दुनिया में अगर 100 गाय हैं तो 22.80 गाय हमारे देश में है बुफेलो में अपना रैंक नंबर वन है हमारे पास दुनिया की 54.26 फोर परसेंट बुफेलोज हैं कैमल के मामले में हम नाइनटीन्थ नंबर पर आते हैं सबसे आगे छठ है बाकी के देशों का नाम आपको याद करने की असद ज़रूरत नहीं है बस इंडिया का रैंक याद रख लेना कि नाइनटीन नंबर पर है हमारे पास दुनिया के पॉइंट कैमल है शीप में हम दूसरे नंबर पर हैं चाइना के बाद 5.99 परसेंट वर्ल्ड शीप जो है वो हमारे पास है गोट में बकरियों में हम पहले नंबर पर हैं वर्ल्ड की थर्टीन पॉइंट फोर थ्री परसेंट गोड्स हमारे पास हैं चिकन में हम सेवेंथ नंबर पर हैं पहले नंबर पर यूएसए है दूसरे पर चाइना तीसरे पर इंडोनेशिया चौथे पर ब्राजील पांचवे पर पाकिस्तान छठे पर ईरान तो सातवें नंबर पर आते हैं हम चिकन पॉपुलेशन के केस में और हमारे पास दुनिया का टू पॉइंट फोर थ्री परसेंट चिकन पॉपुलेशन है फिर बात करते हैं मिल्क की तो मिल्क में हम फर्स्ट हैं अराउंड वर्ल्ड का ट्वेंटी वन पॉइंट फोर जीरो परसेंट मिल्क हम प्रोड्यूस करते हैं एग्स में हम थर्ड हैं चाइना और यूएसए के बाद पहले नंबर पर चाइना है दुनिया के 6.96 अंडे इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं मीट मीट के अंदर सारे टाइप ऑफ मीट आ गए तो मीट में हम फिफ्थ हैं चाइना पहले नंबर पर है दूसरे पर यूएस तीसरे पर ब्राजील चौथे पर रशिया तो पांचवें नंबर पर आते हैं मीट के केस में हम दुनिया का टू मीट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं ओके okay. एंड फाइनली अब हमें देखना है सी एच फोर मिथेन मिशन जो मिथेन एमिशन हो रही है एग्रीकल्चर से तो सबसे ज़्यादा मिथेन एमिशन राइस फील्ड्स में चाइना की राइस फील्ड्स से सबसे ज़्यादा मिथेन एमिशन होता है दुनिया के अंदर इंडिया दूसरे नंबर पर आता है और अगर हम क्रॉप uh, रेजिड्यू की बर्निंग से जो मिथेइन एमिशन होता है जो पोल्यूशन का एक मेजर रीजन है तो वो भी सबसे ज़्यादा चाइना से होता है और इंडिया जो है अगेन दूसरे नंबर पर इसमें भी आता है ओके गाइस सो दिस इज इट एंड विद दिस वी आर डन विद ऑल द इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर डाटा दैट वॉज देयर इन द रिपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एट अ्लांस ठीक है जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है पीडीएफ इसका अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम के ऊपर एंड इसके अलावा कोई भी आप जानकारी चाहें तो आप टेलीग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो ठीक है व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर गिवन है नाइन जीरो फोर वन टू डबल फोर सिक्स एट नाइन या फिर आप यूट्यूब पर भी कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा हो लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टेल देन टेक केयर एंड बाय